दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और टेक्सटफ के एक और सनसनीखेज लीक से भरे हुए एपिसोड में मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो यार दिल थोड़ा सा खोल के लाइक कीजिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 2790 का। और आज की न्यूज शुरू करना चाहूंगा मैं Xiaomi के साथ। गाइस, फाइनली Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है अपने Mi 10 i स्मार्टफोन को इंडिया में। और एक डेढ़ हफ्ते से इसके बारे में लीक्स, हाइप्स, टीजर्स वगैरह तो निकल के आ रहे थे, बट फाइनली दिस स्मार्टफोन हैज बिकम अ रियलिटी। 20,999 रुपीज इसकी प्राइसिंग रखी गई है। कुछ ऐसा एम्बार्गो वाला फोन दिखाने लगा था, कुछ ऐसा दिखता है ये स्मार्टफोन। और इसकी अनबॉक्सिंग, इनिशियल इंप्रेशंस एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो वाली वीडियो जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया, कार्ड में इसका मैं लिंक लगा दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। बहरहाल, आज की वीडियो का पोल आप लोगों के लिए कि यार Mi 10 i स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग इंडिया में रखी गई है आपको कैसी लगी, आपके हिसाब से प्राइसिंग जस्टिफाइड है या ओवर प्राइस्ड है, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और गाइस, लगे हाथ Xiaomi के एक और स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे Mi A3 स्मार्टफोन की। अगर आपको अभी तक नहीं पता, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि यार Mi A3 स्मार्टफोन में जो अभी कुछ टाइम पहले Android 11 वाला अपडेट आया था, वो रिपोर्टेडली एलिजिडली Mi A3 स्मार्टफोन को खराब कर रहा था, तबाही हो गई थी, मतलब ब्रिक होते जा रहे हैं स्मार्टफोन ये जो है Mi A3 वाले। तो यार Xiaomi ने इसके बाद एक ईमेल वगैरह भी मेरे को किया था कि हम अपने अपडेट को रोल बैक कर रहे हैं और वी आर वर्किंग ऑन फिक्सिंग द अपडेट। Mi A3 स्मार्टफोन पिछले एक साल से बहुत ही एक मनहूसियत का साया लेके बैठा हुआ है। और Xiaomi ने अब क्या किया कि यार Xiaomi आपको फ्री रिपेयर करने का ऑफर दे रहा है। मतलब जितने भी जगह पे सर्विस सेंटर वगैरह है, अगर आपका Mi A3 स्मार्टफोन ब्रेक हो गया है, वहां पे लेके जाइए, फ्री में आपको रिपेयर सर्विस जो है Xiaomi की तरफ से आप देखने को मिल रही है। बट यार मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, ये रिपेयर्स, ये करेक्टिव मेजर्स लेने की जगह आप अपनी अपडेट्स को, अपने एड्स, प्राइवेसी वाली सिचुएशंस को शुरू से ही ठीक रखिए, सो दैट यूजर्स को ऐसी तंगी वगैरह जो है वो फेस ना करनी पड़े। आपका क्या कहना है वैसे Mi A3 के इस फियास्को के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। और गाइस, आगे बढ़ते हैं Oppo की तरफ। और फाइनली Oppo का जो Reno 5 Pro स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आज कंपनी ने ऑफिशियली इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दी है कि 18th जनवरी 2021, which is not too far away from now, को हमें Oppo Reno 5 Pro स्मार्टफोन जो है इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और Reno 5 Pro जो स्मार्टफोन होगा, इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा MediaTek Dimensity 1000 Plus प्रोसेसर पे ये स्मार्टफोन जो रन करने वाला है। अब यार इसके अलावा आपको यहाँ पे AI वीडियो कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। और मेरे हिसाब से Reno 5 Pro जो स्मार्टफोन होगा एक धमाकेदार स्मार्टफोन होने वाला है। और आई कांट वेट टू टेस्ट दिस स्मार्टफोन। बहुत जल्दी आपको इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वगैरह हमारे चैनल पे भी देखने को मिलेगी। बट इफ इन केस आप Reno 5 Pro स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे, अब आपको ज्यादा वेट इंडिया में नहीं करना पड़ेगा। और गाइस, Oppo Reno 5 Pro स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो लगे हाथ Oppo के अपकमिंग अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन की भी मैं बात करना चाहूंगा। थोड़ी सी महंगी वाली न्यूज की बात करते हैं। तो गाइस, Oppo Find X3 जो स्मार्टफोन है ये भी हमें Q1 2021 में ही देखने को मिलने वाला है। और इस स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 888 प्रोसेसर होगा। आज Oppo Find X3 स्मार्टफोन जो है N22 बेंचमार्किंग वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। और यस, मेरे को कोई भी यहां पे आश्चर्य नहीं हुआ, कोई भी यहां पे मेरे को सरप्राइज नहीं हुआ ये जान के कि Find X3 जो स्मार्टफोन है इसने पुराने जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और Oppo Find X3 स्मार्टफोन has topped the N22 benchmarking rating। N22 benchmarking का जो प्लेटफॉर्म था वहां पे Find X3 स्मार्टफोन ने बहुत ही तगड़ा एक स्कोर किया है। ऑफ कोर्स ये बेंचमार्क्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये एक्चुअल रियल लाइफ परफॉर्मेंस को कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, डिपिक्ट नहीं करते, बट एज आई ऑलवेज सी बेंचमार्क्स आर बेंचमार्क्स फॉर अ रीजन। और गाइस, आगे बात करते हैं Vivo की। Vivo X60 और Vivo X60 Pro स्मार्टफोन्स ऑलरेडी चाइना में लॉन्च कर दिए गए हैं। और Vivo X60 Pro Plus बड़े से नाम वाला, बहुत ही बड़ी सी स्पेसिफिकेशंस वाला स्मार्टफोन भी जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और ये तीनों स्मार्टफोन्स हमें इंडिया में भी जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। बट Vivo X60 Pro Plus जो स्मार्टफोन है ना, आज चाइना की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुके हैं। और 3C सर्टिफिकेशन की अगर माने तो इस स्मार्टफोन में हमें एक अच्छी खासी 55 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। अब यार इसके अलावा Qualcomm का होगा Snapdragon 888 प्रोसेसर, गिम्बल वाला कैमरा होगा, अच्छी खासी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होगी। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार Vivo अपनी X60 सीरीज को जल्दी से जल्दी इंडिया में लॉन्च कर दे। और गाइस, बात करते हैं हम Realme की। तो Realme का जो कोई स्मार्टफोन था कल हमें मिल गया था, Realme कोई या Realme V15 जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है चाइना में 8th जनवरी को, ऐसा कंपनी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया। बट अब Realme V15 स्मार्टफोन को लेके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और ऑफिशियल कंफर्मेशंस जो हैं वो निकलनी शुरू हो चुकी हैं। नोटेबली Realme V15 स्मार्टफोन में हमें 176 ग्राम्स का वेट देखने को मिलेगा, मतलब एक अल्ट्रा लाइट स्मार्टफोन होगा 5G के हिसाब से। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का होगा प्राइमरी रियर कैमरा और साथ में
हमें 50 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाली है Realme के V15 स्मार्टफोन में। ये स्मार्टफोन दिखता कैसे है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वैसे ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूं। और ये 65 वॉट्स का बाय द वे चार्जर हमें Realme V15 के डब्बे में देखने को मिलेगा। अब कुछ कंपनी यहां पे चार्जर को निकालती जा रही है और कुछ कंपनियां कह रही है कि यार हमारे फोन की चार्जिंग स्पीड है 50 वॉट, अब एक्स्ट्रा 15 वॉट लीजिए, उससे भाजी तरकारी भी बना लीजिएगा। तो ये अच्छा लग रहा है यार Realme का V15 स्मार्टफोन। आई होप कि यार Realme इसको इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च कर दे। और गाइस आगे बात करते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की। तो Redmi ने 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे अभी हाल ही में चाइना में Redmi Note 9 सीरीज के अंडर। Redmi Note 9 4G जो था वो इंडिया में Redmi 9 Power करके लॉन्च कर दिया गया और बाहर लॉन्च हो रहा है Redmi 9T करके। और इसके अलावा Redmi Note 9 Pro 5G जो था उसको इंडिया में ऑलरेडी Mi 10 i के नाम से रीब्रांड करके कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। बट जो बीच का स्मार्टफोन था ना, बीच का Redmi Note 9 5G, वो स्मार्टफोन जो है ग्लोबली और इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है एज द Redmi Note 9T 5G। जी हां, Redmi Note 95G जो स्मार्टफोन है इसका नाम मैंने ही आपको लीक करके बताया था, याद है आपको? याद है आपको? तो यार ये जो स्मार्टफोन है ये ग्लोबली आने वाला है, बट Amazon को ना आजकल ज्यादा ही चुल मच रही है कुछ, मतलब Amazon लीकी स्टार बनने की ट्राई कर रहा है यहाँ पे, हमें चैलेंज दे रहा है Amazon। Mi 10 i स्मार्टफोन को भी लॉन्च से पहले ही Amazon ने लिस्ट कर दिया था, गलत वलत अनसर्टेन प्राइसिंग बता दी थी और सस्ते में वैसे कंपनी ने इसको लॉन्च किया इंडिया में। हम यार Redmi Note 9T स्मार्टफोन को भी Amazon जर्मनी की जो वेबसाइट है उन्होंने लिस्ट कर दिया है राइट अहेड ऑफ द लॉन्च। इस स्मार्टफोन में हमें 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 6.53 इंच की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे होगा MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 5000 इमेज बैटरी, NFC सपोर्ट और एक कलर वेरिएंट है इसका Nightfall Black, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है। और Android 10 डब्बे से बाहर निकालते ही आपको Redmi Note 90 स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। ऑलमोस्ट सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस लिजिट लग रही हैं। और यस, Redmi Note 90 स्मार्टफोन का ग्लोबल लॉन्च मैंने आपको बताया था सुबह की टेक स्टफ में कि स्पेन में और बाकी की ग्लोबल कंट्रीज में तो होने ही वाला है, बट इंडिया में भी ये स्मार्टफोन अब हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, हिंट दे रहे हैं। ओके, Xiaomi ने कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च किया था अपना Mi 11 स्मार्टफोन, बहुत ही डीजेक टाइप का स्मार्टफोन है, मतलब स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइस सब कुछ इसका रॉपचिक लगा मेरे को, अच्छा स्मार्टफोन है। और अभी के लिए यार इट इज प्रोबेबली दी बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो। यार Mi 11 जो सीरीज है ये जल्दी ही ग्लोबली भी लॉन्च होने वाली है और इस सीरीज में हमें Mi 11, Mi 11 Pro और Mi 11 Lite ये 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। अब यार द पिक्सल करके एक YouTube चैनल है, उन्होंने Mi 11 Lite जो स्मार्टफोन है उसके लाइव शॉट्स और एलिजिट स्पेसिफिकेशंस को लीक कर दिया है। नोटेबली दिस इज व्हाट द Mi 11 Lite स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक। दिखने में ये Mi 11 स्मार्टफोन जैसा ही होगा, बट डिस्प्ले जो होगी वो फ्लैट होगी, लेफ्ट अलाइन सिंगल पंचोल सेल्फी कैमरा होगा, पीछे की तरफ होंगे 3 कैमरा, 64+8+5 ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर होगा इस स्मार्टफोन में और साथ में 120Hz वाली IPS LCD पैनल इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाली है। अब गाइस अगर ये स्पेसिफिकेशंस लाइव शॉट्स वगैरह लिजिट है तो यार एक अच्छा खासा स्मार्टफोन ये बन रहा है। और पोको F2 स्मार्टफोन की जो एलिजिट स्पेसिफिकेशंस थी वो भी कहीं ना कहीं इससे मैच कर रही है, सेव फॉर द एमुलेट पैनल हियर। यहां पे IPS LCD है और पोको F2 स्मार्टफोन में सुनने में आ रहा है कि एमुलेट पैनल होगा। तो यार मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सारी की सारी चीजें सही हैं तो दिस इज व्हाट द पोको F2 स्मार्टफोन कुड लुक लाइक। अभी के लिए कंफर्मेशन तो नहीं है, बट ऐसी हम लुक्स वगैरह पोको F2 स्मार्टफोन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है वैसे, कितना लिजिट लग रहा है आपको ये Mi 11 Lite स्मार्टफोन का लीक? और क्या आपको लगता है कि अगर ये स्मार्टफोन रीब्रांड होके पोको F2 बना, विल इट बी जस्टिफाइड और नॉट? कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबा के, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस आज की वीडियो खत्म करते हैं OnePlus के साथ। OnePlus बहुत ही जल्दी अपने OnePlus 9 स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने वाला है। OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9 Lite ये 3 स्मार्टफोन होंगे रिपोर्टेडली एलिजिडली इस सीरीज में। और आज एक नई इंटरेस्टिंग लीक निकल के आई है OnePlus 9 सीरीज को लेके। सुनने में आ रहा है कि यार OnePlus 9 Pro जो स्मार्टफोन होगा उसमें हमें 45 वॉट्स की वायरलेस फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, मतलब अच्छी खासी वॉपिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें इसके वनीला वेरिएंट की, दैट इज द OnePlus 9, उसमें हमें 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग शायद देखने को ना मिले, बट उसमें भी वायरलेस चार्जिंग होगी, ऐसा मैक्स जे ने अपने वॉइस प्लेटफॉर्म पे लीक करके हम लोगों को अब बता दिया है। अब देखते हैं OnePlus 9 सीरीज की प्राइसिंग क्या होती है, बट ये स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो यार ये सीरीज जो है अच्छी खासी सीरीज लग रही है।
और गाइस लगे हाथ वीडियो खत्म करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। पीछे देख सकते हो हमारी एडिटिंग भी शुरू हो गई थी, बट Redmi का एक नया स्मार्टफोन FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे मैंने इस वीडियो को शूट करने के बाद स्पॉट किया था। इसका मॉडल नंबर है M2101K6G। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि यार Redmi के दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो है वो भी मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये स्मार्टफोन सर्टिफाई हुए थे और आज ये जो सेम मॉडल नंबर है FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी सर्टिफाई हो चुके हैं। MIUI 12 आपको आउट तो बॉक्स ये स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है और यस ऑफ कोर्स ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, बिकॉज़ इंडिया का जो IMEI वाला डेटाबेस है वहां पे भी मैं इस स्मार्टफोन को स्पॉट कर चुका हूं। अब यार कल सुबह की टेक स्टफ में आपको मैं Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन की कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने की भी फुल ट्राई करूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले देख लेते हैं फाइंड स्टफ विन स्टफ के विनर को। मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं उनका नाम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनर को कि यार आप हमें जल्दी से रीच आउट कीजिए, 24 आवर्स के बीच में आपको हमें रीच आउट करना है, सो दैट आपका पेटीएम का जो एश्योर्ड प्राइस था उसको मैं आपको शिप कर पाऊं। और आज की वीडियो में भी फाइंड स्टफ विन स्टफ का एक क्लू हमने वीडियो में कहीं ना कहीं छोड़ रखा है, ढूंढिए उसको। नीचे टाइम स्टैम्प बताइए किस मोमेंट पे मैंने वो क्लू आप लोगों को दिखाया है। अगर आप लकी विनर रहे तो आपको भी मेरी तरफ से स्टफ लिस्टिंग्स की तरफ से एक एश्योर्ड पेटीएम वाला प्राइस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे फाइंड स्टफ विन स्टफ के बारे में फीडबैक मांगा था, मैंने आपसे पूछा था कि आपको एक कॉन्सेप्ट कैसा लगा। यहाँ पे 72% लोग कह रहे मस्त है, 28% लोग कह रहे नहीं अच्छा नहीं लगा। तो यस मेजोरिटी यहाँ पे सहमत है कि यार ये अच्छी चीज हमें करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक इट इवन मोर फनियर द वीडियोस टेक स्टफ, और उसके अलावा मैं चाहता हूं कि यार आप लोगों को भी कुछ हमारी तरफ से देखने को मिले। सो छोटा सा एक इनिशिएटिव है, बट मेरे को अच्छा लगा कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और आगे भी आपको फाइन स्टफ इन स्टफ जो है हमारी तरफ से हर टेक स्टफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। तो गाइस ये थी आज की शाम की टेक्स्ट स्टफ, ये आज की तीसरी वीडियो है। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक और फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक्स्ट स्टफ के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, दुआओं में याद रखना। जय हिंद। बहुत हो गया आज। डिस्क्रिप्शन इस वीडियो को मैं वैसे बाय द वे चैनल, एक नया चैनल द पिक्सल यार मी 11 सी वापस है चेक रैपचिक टाइप का टैबला ही लग रही है प्रोसेसर कैमरा ये मी ले कल के विनर्स मैं आपको ओके स्टाफ की तरह वीडियो खत्म कर